हे गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रेडिक्शन। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के मैच नंबर 7 के प्रेडिक्शन के बारे में। यहां पर गाइस आप सभी को खेला जाता हुआ दिखाई देगा स्कॉटलैंड वर्सेस आयरलैंड, दोनों ही टीम्स के बीच में। देखेंगे इस वीडियो में फुल स्टेट्स, रिकॉर्ड्स एंड एनालिसिस, साथ ही फ्रेंड्स प्लेयर्स का रिसेंट गेम्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहां पर कौन से प्लेयर्स स्मॉल लीग्स एंड कौन से प्लेयर्स गाइस ग्रैंड लीग्स टीम में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सभी चीज़ें गाइस इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। साथ ही गाइस फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से गाइस सभी भाई टेलीग्राम चैनल को गाइस ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस बात करेंगे स्कॉटलैंड टीम के फुल स्टेट्स इन्फो के बारे में। सो गाइस टीम की तरफ से आप सभी को ओपन करते हुए दिखाई देंगे माइकल जोन्स एंड जॉर्ज मनसे। एंड गाइस लास्ट गेम के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो जॉर्ज मनसे गाइस 66 रन नॉट आउट इन्होंने स्कोर किए थे। वहीं पर गाइस माइकल जोन्स ने भी अच्छा स्कोर किया, 20 रन गाइस स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, ऑल दो अपनी इनिंग्स को बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मैथ्यू क्रॉस के बारे में गाइस बात करें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छे रहे हैं, 10 मैचेस के अंदर 234 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, ऑल दो गाइस लास्ट गेम के अंदर सिर्फ 3 ही रन यहाँ पर स्कोर कर पाए थे। रिची बैरिंगटन गाइस टीम की तरफ से कैप्टनसी करते हैं, हेड टू हेड 13 मैचेस के अंदर 200 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, साथ ही गाइस 4 विकेट्स निकाली हैं। लास्ट गेम के अंदर गाइस बॉलिंग नहीं कराई, बैटिंग से गाइस यहाँ पर 2 डाउन बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे, लास्ट गेम के अंदर 16 रन इन्होंने स्कोर किए थे। एलन मैक्लोइड राइट हैंड बैटिंग करते हैं गाइस, हेड टू हेड 7 मैचेस के अंदर 177 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, 35 का गाइस बैटिंग एवरेज रहा है, लास्ट गेम के अंदर 23 रन इन्होंने स्कोर किए थे। माइकल लेज राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं प्लस राइट हैंड बैटिंग करते हैं, हेड टू हेड 9 मैचेस के अंदर 4 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, लास्ट गेम के अंदर गाइस अपने पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराते हुए 2 विकेट गाइस इन्होंने निकाली हैं। क्रिस ग्रीव्स गाइस लास्ट गेम के अंदर 16 रन नॉट आउट इन्होंने स्कोर किए थे। गाइस सफियान शरीफ के बारे में गाइस बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, हेड टू हेड गाइस 9 मैचेस के अंदर 11 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, लास्ट गेम के अंदर अपने पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराते हुए गाइस 1 विकेट इन्होंने निकाली थी। मार्क वॉट गाइस यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी की टीम्स में रहने वाले हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं, लास्ट गेम के अंदर गाइस पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराते हुए 3 विकेट्स इन्होंने निकाली। एंड गाइज लेट मी चेक 1 सेकेंड, यहाँ पर गाइज आयरलैंड टीम की तरफ से टॉप ऑर्डर में आपको सभी प्लेयर्स राइट हैंड बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, लाइक पॉल स्टर्लिंग, एंडी बेलबिर्नी, लॉर्कन टकर, हैरी टेक्टर एंड कुर्तिस कैम्पर, जॉर्ज डोकरेल, गाइज सभी प्लेयर्स यहाँ पर राइट ही बैटिंग करते हैं। सो यहाँ पर गाइज मार्क वॉट को अगेन विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, सो इंपॉर्टेंट गाइज यहाँ से आप सभी की टीम्स में रहने वाले हैं, साथ ही गाइज बिल्कुल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। जॉस डेवी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, हेड टू हेड गेज 4 मैचेस के अंदर 3 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, लास्ट गेम के अंदर अपने 3 ओवर की बॉलिंग कराते हुए 1 विकेट गेज इन्होंने निकाली थी। ब्रेड व्हील राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, हेड टू हेड गेज 1 मैच इन्होंने प्ले किया है, ऑल द गेज वहाँ पर इन्हें कोई भी विकेट्स नहीं मिली थी, लास्ट गेम के अंदर गेज अपने पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराते हुए 2 विकेट गेज इन्होंने निकाली थी। एंड गेज दोनों ही प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म बहुत अमेजिंग रहा है, बिल्कुल गेज कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं। साथ ही गेज यहाँ से बेंच प्लेयर्स से जो भी अपडेट रहेगा आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जो भी अपडेट्स इन फाइनल टीम्स रहने वाली हैं सभी चीज़ें गाइस टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। सो अगर गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गाइस आप सभी जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्रेंड्स ज्वाइन कीजिए। ओपन डेथ बॉलर्स के बारे में फ्रेंड्स बात करें, सो गाइस स्कॉटलैंड टीम की तरफ से ब्रेड व्हील, जॉस डेवी, मार्क वॉट एंड उन्हीं के साथ गाइस सफियान शरीफ बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर गाइस सफियान शरीफ, ब्रेड व्हील एंड जॉस डेवी आप सभी को डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे आयरलैंड टीम की तरफ से, आप सभी को ओपन करते हुए दिखाई देंगे पॉल स्टर्लिंग राइट हैंड बैटिंग करते हैं, टू हेड गाइस बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है, 5 मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट गाइस 250 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, जहां पर गाइस उनका 50 का बैटिंग एवरेज रहा है। गाइस इस सीरीज में अपने फर्स्ट गेम के अंदर अपना खाता नहीं खोल पाए थे, बट मेरे अकॉर्डिंग गाइस इस मैच के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी की टीम्स में रहने वाले हैं। एंडी बेलबिर्नी राइट हैंड बैटिंग करते हैं एंड गाइस हेड टू हेड 33 का बैटिंग एवरेज रहा है, ऑल्दो लास्ट गेम के अंदर सिर्फ 3 रन स्कोर कर पाए थे। लॉर्कन टकर राइट हैंड बैटिंग करते हैं, लास्ट गेम के अंदर 11 रन इन्होंने स्कोर किए थे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के उतने अच्छे नहीं रहे, 3 मैचेस के अंदर जस्ट 23 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। हैरी टेक्टर गाइस राइट हैंड बैटिंग करते हैं, हेड टू हेड 1 मैच इन्होंने प्ले किया है जहां पर 21 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, लास्ट गेम के अंदर गाइस बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, सिर्फ यहां पर 1 रन स्कोर कर पाए थे। कुर्तिस कैम्पर गाइस राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं एंड मेरे अकॉर्डिंग गाइस यहां से एक इंपॉर्टेंट आप सभी की टीम्स में रहने वाले हैं, एज गाइस लास्ट गेम का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था,
बैटिंग से 27 रन इन्होंने स्कोर किए थे, प्लस गाइस अपने 3 ओवर की इन्होंने बॉलिंग कराई थी, ऑल द गाइस वहां पर इन्हें कोई विकेट्स नहीं मिली थी। जॉर्ज डॉकरेल राइट हैंड बैटिंग करते हैं एंड स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराते हैं, ऑल द गाइस लास्ट गेम के अंदर इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, 24 रन बैटिंग से स्कोर किए थे, हेड टू हेड गाइस 10 मैचेस के अंदर 29 रन एंड 12 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। बट रिसेंटली फ्रेंड्स यहां पर बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, सो यहां से गाइस अगर आप लोग चाहें तो एज अ बैट्समैन पिक करके चल सकते हैं। गैरेट डेलानी राइट हैंड बैटिंग करते हैं एंड लेग ब्रेक बॉलिंग कराते हैं, लास्ट गेम के अंदर गाइस 24 रन इन्होंने स्कोर किए, प्लस अपने 2 ओवर की बॉलिंग कराई, ऑल द गाइस वहां पर इन्हें कोई भी विकेट्स नहीं मिली। हेड टू हेड गाइस 2 मैचेस इन्होंने प्ले किए हैं जहां पर 77 रन स्कोर किए हैं, साथ ही गाइस 2 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। अब गाइस बात करें बॉलिंग सेक्शन के बारे में, तो यहां पर मार्क अदेर, सिमी सिंह, बैरी मैकर्ती एंड जोशुआ लिटिल गाइस ऑल 4 प्लेयर्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली गाइस अगर टीम फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग कराती हैं तो सभी प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मार्क अदेर गाइस राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, लास्ट गेम के अंदर भी 2 विकेट्स इन्होंने निकाली। सिमी सिंह गाइस 3 ओवर की बॉलिंग कराते हुए 2 विकेट्स इन्होंने निकाली, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते हैं। बैरी मैकर्ती गाइस राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, लास्ट गेम के अंदर अपने पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराई, ऑल द गाइस वहां पर इन्हें कोई भी विकेट्स नहीं मिली। बट अगर गाइस अगर टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराती है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट आप सभी की टीम्स में रहने वाले हैं। जोशुआ लिटिल गाइस लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं, लास्ट गेम के अंदर गाइस बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पूरे 4 ओवर की बॉलिंग कराते हुए 3 विकेट्स इन्होंने निकाली। बाकी गाइस अगेन यहां से जो भी अपडेट रहेगा आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बात करें फ्रेंड्स आयरलैंड टीम की तरफ से ओपन डेथ बॉलर्स के बारे में, सो गाइस मार्क अदेर, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकर्ती एंड कुर्टिस कैंपर आप सभी को स्टार्टिंग ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर गाइस मार्क अदेर, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकर्ती एंड कुर्टिस कैंपर ही गाइस आप सभी को डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। सो गाइस ये होने वाली है मेरी इस मैच की इनिशियल टीम, जहां पर गाइस मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक किया है लॉरकन टकर को, बैटिंग सेक्शन से पॉल स्टर्लिंग, जॉर्ज मुंसी एंड उन्हीं के साथ गाइस एंडी बेल बिडनी को अभी के लिए मैंने पिक किया है, ऑलराउंडर सेक्शन से गए सफियान शरीफ, माइकल लीस, सिमी सिंह एंड उन्हीं के साथ गए कुर्टिस कैंपर को यहां से मैंने पिक किया है, एंड बॉलिंग सेक्शन से गए मार्क वॉट, जोशुआ लिटिल एंड मार्क अदेर को मैंने पिक किया है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स के बारे में इस बात करें तो अभी के लिए मैंने कैप्टन किया है माइकल लीस को एंड वाइस कैप्टन गए मैंने किया है जोशुआ लिटिल को। बाकी गाइस ये है मेरी इस मैच की इनिशियल टीम। अब गाइस लाइनअप्स के बाद इस टीम में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंगली कि कौन सी टीम फर्स्ट बैट कर रही है एंड कौन सी टीम गाइस फर्स्ट बॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग गाइस बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। सो गाइस फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स के लिए अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं किया तो सभी भाई गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आई होप गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर गाइस वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। And if you are new, make sure to subscribe our channel. तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। Thank you so much for watching this video.